नमस्कार, मी तोरल आणि तुम्ही बघत आहे तत्काल न्यूज लाइव्ह। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे नवयुक्त अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले यांचे प्रथम नगर आगमन आज दिनांक 10 फेब्रुवारी 2021 ला सकाळी 11 वाजता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विमानतळ येथे झाले। सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी उपस्थिती राहून नाना पटोले यांचे हर्ष उल्लासाने स्वागत केले। देख रहे हो कि लोगों में कितना उत्साह है और इसका मतलब ही है कि अब महाराष्ट्र में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और महाराष्ट्र में कांग्रेस से ही आने वाले दिनों की एक नंबर की पार्टी बनेगी, ये जनता के उत्साह से आपको समझ में आ जाए। किसान का मुद्दा क्या कहना? आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आंदोलन करने वाले किसानों की भी चेष्टा कर रहे हैं। ये देश को आंदोलनों से ही आज़ादी मिली है और जो किसान, पूरे देश के किसान आज जो काले तीन कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने केंद्र में लाई है, उसके विरोध में जो आंदोलन दिल्ली में गए 2.5 महीने से चल रहा है, उसमें कई किसान शहीद हुए हैं। लेकिन राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किसानों की चेष्टा की, अन्नदाता की चेष्टा की, उसका बदला सत्ता परिवर्तन के साथ इस देश का किसान लेगा, मजदूर लेगा, ये बात तय हो चुकी है। चुनौती जहां पे लोकतंत्र में हम कांग्रेस लोकतंत्र पे विश्वास करने वाली पार्टी है और आपको पता है कि जिस तरह से लोगों में उत्साह आ चुका है, ये उत्साह को और दुगनित कर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना और हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को, हमारे मजदूरों को, हमारे छोटे व्यापारियों को, उनको ताकत देना, उनको सम्मान से जीने का अधिकार देना, यही संकल्प हमारा है। आपने कहा कि पायलट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, वो आज अपन गर्जा मीटिंग में अपन पाहता है कि मी आज पहिल्यांदा काँग्रेसचा अध्यक्ष झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा नागपूरला आलो आणि तो उत्साह लोकांच्या मनात आपण पाहता है। याचा अर्थ परिवर्तनाची लहर आता महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेली आहे। लोकांनी मानसिकता बनवली आहे की केंद्रातलं भाजपचं सरकार आणि ते अधिराज्य समजून ज्या पद्धतीनं भाजप महाराष्ट्रात वागायला निघाली होती त्याला जनतेने उतरून भेटण्याचा निर्धार केलेला आहे, याचं चित्र आपण या ठिकाणी पाहतो। मी कुठलंही पद मागत नाही, याचं अनेकदा उदाहरण आपण राजकीय व्यवस्थेत पाहिलेलं आहे।